हेलो फ्रेंड्स, रेनू की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लाई हूँ अपनी अगली रेसिपी, जो है राजमा की रेसिपी। तो उसे बनाने के लिए हमें चाहिए राजमा। मैंने छोटे साइज के राजमा लिए हैं, आपको जो लंबे भी आते हैं अगर आपको वो पसंद है तो वो ले सकते हैं। ये मैंने रात को भिगोए थे, रात को भिगो के सुबह में नमक के साथ मैंने 4-5 सीटी के साथ इसको उबाल लिया है। उसके अलावा चाहिए हमें टोमेटो का पेस्ट, प्याज, शिमला मिर्च, तड़के के लिए जीरा, और ये मसालों में हल्दी, काली मिर्च का पाउडर, रेड चिली पाउडर, ये मिक्स मसाला है, और धनिया पाउडर, और ये मैंने अदरक और मिर्च कूट के रखी है, और तड़के जीरा और हींग चाहिए हमें तड़का लगाने के लिए, और बनाने के लिए सरसों का तेल। अब हम इसे बनाएंगे। पहले मैं गैस ऑन करूंगी, एक में तेल ऐड करेंगे। ये सरसों का तेल है तो आप इसे गरम होने दे पहले अच्छे से। तेल गर्म हो चुका है, मैं जीरा ऐड करूंगी इसमें। थोड़ा हींग ऐड करूंगी, जीरे को जलने देंगे। राजमा आप ज़रूर खाइए, बहुत ही हेल्दी होता है खाने में और बहुत ही टेस्टी होता है। जीरा जल चुका है, मैं लहसुन ऐड करूँगी इसमें, जो मैंने कूट के रखी है। आपको लहसुन नहीं पसंद या प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। तो मिला लीजिए अच्छे से, 2 मिनट के लिए जलने देंगे, फिर हम अपना प्याज ऐड करेंगे। आज कम करके प्याज डाला है तो नमक ऐड कीजिए थोड़ा सा। नमक ऐड करने से प्याज जल्दी पकता है, ये मैं हमेशा बताती हूँ अपने वीडियो से। प्याज को थोड़ा भूनने लेंगे और उसके लिए ढक दीजिए थोड़ी देर के लिए। प्याज इसमें हमें बहुत ब्राउन नहीं करना है, पर वो पक जाए इतना ही वेट करना है। अब हम प्याज को चेक करेंगे, 5 मिनट्स हो गए हैं, प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने शिमला मिर्च क्यों काटा है। नॉर्मली ट्रेडिशनल राजमा की रेसिपी में शिमला मिर्च नहीं जाता है, लेकिन मैं शिमला मिर्च डालती हूँ और वो बहुत अच्छा टेस्ट करता है। आप एक बार ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें तो, और फिर मुझे बताएं कि आपको शिमला मिर्च के साथ कैसा लगता है। अब इसमें मैं मसाले ऐड करूँगी। ये कश्मीरी लाल मिर्च है तो ये ज़्यादा तीखा नहीं होता है, पर कलर काफ़ी अच्छा आता है। आप अगर नॉर्मल हरी मिर्च डाल रहे हैं तो थोड़ा कम डालें, या फिर आप जितना तीखा खाना चाहते हैं उसके हिसाब से ऐड करें। इसे मिला लूँगी मैं अच्छे से। मसाले मसाले डाल के मिला दिया है, अब इसको 5 से 10 मिनट छोड़ देंगे धीमी आंच पे, तो मसाले पकेंगे और उसके साथ प्याज और टमाटर भी थोड़ा पकेगा। 5 मिनट हो गए हैं मसालों को ही करते हैं, चेक कर लेते हैं। अब हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे। आज थोड़ा मीडियम या धीमा ही रखिए, क्योंकि फिर नहीं तो मसाले जल सकते हैं। शिमला मिर्च हमने लास्ट में इसलिए डाला क्योंकि शिमला मिर्च को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो अगर आप पहले डालेंगे तो उसका टेस्ट खराब हो जाएगा।
इसको और 5 मिनट्स होने देंगे। यहाँ पे आप चाहे तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, इसे 5 मिनट के लिए और ढक देंगे। देखिए मसाले भून चुके हैं तो हम राजमा ऐड कर सकते हैं। फिर अच्छे से मिक्स कर ले। ये थोड़ा गाढ़ा है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी ताकि वो उस मसाले के साथ राजमा भी थोड़ा बॉईल हो सके। ये राजमा का ही पानी है जो मैंने राजमा को भिगोया था रात भर, वो फेंके नहीं, उसमें काफी सारा टेस्ट होता है। बस अब इसको मैं ढक दूंगी 5 to 10 मिनट्स के लिए। राजमा अच्छी तरह से मसाले में भी पकेगा थोड़ी देर के लिए, फिर आपका राजमा रेडी हो जाएगा। 10 मिनट हो गया है तो अब मैं राजमा को चेक करूंगी। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसमें और राजमा भी काफ़ी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है मसालों के साथ। बस एक बार आप नमक चेक कर ले कि नमक कम या ज़्यादा हो, कम हो तो उसमें ऐड कर ले। इस स्टेज पे मैं थोड़ा सा धनिया ऐड करूंगी, थोड़ा सा धनिया पहले ऐड कर दे बाद में गार्निशिंग के लिए। आप इसमें थोड़ा सा बटर भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, या घी ऐड कर सकते हैं इस स्टेज पे। ये राजमा तैयार हो चुका है हमारा, मैं थोड़ा सा बटर ऐड करूंगी, मैं थोड़ा सा बटर ऐड करूंगी। आप अवॉइड भी कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा तेल या बटर यूज़ नहीं करना चाहते, ये ऑप्शनल है। राजमा बनके रेडी है, आप प्लीज इसे जरूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये कैसा लगा। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और कोई भी रेसिपी अगर आपको सीखनी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, मैं वो रेसिपी जरूर ट्राई बना के आपको शेयर करूंगी। थैंक यू। इसी